गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रही है फिलहाल 7:30। और एक्चुअली मैं आज जल्दी उठ गया था क्योंकि मुझे एक जगह जानी थी, तो मैं जस्ट वहाँ जाके आ भी गया। फिलहाल यहाँ से धनबाद जानी थी, तो जो कि अराउंड 20 से 22 किलोमीटर पड़ती है हमारे घर से। तो जस्ट मैंने भोर भोर को निकला और 6:30 तक वापस रिटर्न भी आ गया। तो फिलहाल हम लोग इधर कल से जो हो रही है लॉकडाउन स्टार्ट हो रही है। आप लोग उधर का कैसा है नहीं है बताइएगा, अगर आप झारखंड से आपको पता होगा कल से क्या हो रही है, इधर लॉकडाउन स्टार्ट हो रही है। अब लॉकडाउन कब छूटेगी नहीं छूटेगी ये तो देखा जाए, बट फिलहाल अभी एक सप्ताह का टाइम दिया है, 22 से लेकर 29 तक लॉकडाउन लग रही है। 29 के बाद लॉकडाउन अब कुछ भी हो सकती है, वापस से लग भी सकती है या तो पूरा के पूरा छूट भी सकती है। फिलहाल देखा जाए क्या होता है नहीं होता है। वापस से मेरी दाढ़ी नई नज़र आ रही है क्योंकि कल ही मैंने इसको पूरा का पूरा वापस से शेव किया था। फिलहाल मुझे गर्मियों के दिनों में, जैसे कि मैंने बताया था, मुझे ऐसे ही सही लग रही है अभी। और पहले जो था दाढ़ी वगैरह निकल रही थी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, साथ ही साथ इचिंग भी हो रही थी, जो अभी नहीं हो रही है। तो अभी मुझे ऐसे ही सही लग रही है। मैं कर रहा था अभी टेक वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिलहाल नीचे जाता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद मैं एडिट में लगता हूँ क्योंकि टेक वीडियो अभी कभी मुझे छोड़ना है 1-2 घंटे के अंदर। तो मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे, फटाफट नाश्ता करता हूँ, उसके बाद टेक वीडियो को अपलोड करता हूँ। और साथ ही बने रहिए ब्लॉग पे, ब्लॉग में देखिए आप क्या क्या हो रहा है। फिलहाल आज मैं तब से एडिट कर ही रहा हूँ, वीडियो एडिट कर ही रहा हूँ। अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि वीडियो एडिट हो ही रही है। और ये कुछ अलग से चीज़ है जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसको जाकर तुरंत फॉलो कीजिए, इना इंस्टाग्राम आईडी है टेक डीट, ठीक है, आप जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जब चल रही है एडिटिंग, थोड़ी सी क्लिप है बट आपको पता है जब छोटी क्लिप को एडिट करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है बड़ी क्लिप के मुकाबले। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुकी है 7 और क्लासेस वगैरह सब ऑफ हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कल से हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, लॉकडाउन लग रही है, जिस कारण अभी कहीं बाहर निकलना मुश्किल ही होगा। तो जिस कारण क्या होगा कि ब्लॉग तो आएगी बट जो भी मैं घर में करूँगा उसी का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगी, कहीं मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, जिस कारण बाहर का ब्लॉग आपको कुछ नहीं नज़र आएगी। तो फिलहाल आज की ब्लॉग का क्लिप बहुत छोटा है जिस कारण मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड किया हूँ, आपको देख कर वो बहुत ही ज़्यादा आप अपना रिलेट कर पाओगे। तो देखिए वो क्या है नहीं है, और उसमें मैं अच्छी तरह से सारा कुछ को एक्सप्लेनेशन किया हूँ, आई होप आपको सही लगेगी। तो फिलहाल आप देखिए, इसके बाद वो स्लाइड स्टार्ट होने वाली है और अच्छा से आप देखिए, आप उसको कमेंट कीजिए जो कैसा लगा नहीं लगा। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये है एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप का शुरुआत। जी हाँ, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप मतलब क्या है, दोनों तो सामने हैं बट दोनों अपना अपना ऑनलाइन लाइफ बिता रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा पिक्चर्स है, मैं आपको स्लाइड शो करते जाऊँगा कि आपको पता चलेगी कि वाह मतलब क्या हमारा लाइफ क्या थी और कैसे क्या हो गई। और बहुत ही डीप मीनिंग है पिक्चर्स का, आराम से समझिए। नेक्स्ट देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट। हम लोग सब अंदर से दुखी है बट हम लोग ऑनलाइन क्या दिखाना चाहते हैं कि हम लोग दुखी नहीं है, हम लोग सब क्या है, खुश हैं। वर्चुअल, जो वर्चुअल हंसी होता है वो वर्चुअल हंसी हम लोग शो करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे किसी भी चीज़ पर हो। अंदर कितना भी दुख भरी हो बट अगर कुछ पोस्ट करने का बारी आए तो हम लोग अपने आप को हमेशा खुश दिखाते हैं और नेक्स्ट बंदा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट आता है देखिए, यहाँ पर आपको दो काउंटर दिखाई मिल रही है, पिल्स एंड सर्जरी लाइफ स्टाइल चेंज। तो इसमें क्या हो रही है देखिए, सब सर्जरी के पीछे भाग रहे हैं और दवाई के पीछे भाग रहे हैं अपने आप को बॉडी को शेप में लाने के लिए, बट कोई भी मेहनत करके ये सारी चीज़ें नहीं करना चाह रहा है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा, आजकल सब सोच रहा है जो कैसे मेरा शॉर्ट टर्म में यह सारी चीज़ फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट है वी आर ऑल टाइट। जैसे कुत्ता बंधा हुआ होता था पहले, हम लोग ही बंधे हुए किससे, फ़ोन के चार्जर से, और फ़ोन हमारा कहाँ है, हाथ पर। बहुत ही डीप मीनिंग है, पर पिक्चर को अच्छी तरह समझिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब क्या थे हम लोग और क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हो क्या रही है, पढ़ाया जा रहा है पेड़ के बारे में कि पेड़ हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंस है नहीं है, बट हम लोग बैठे किस में, उसी चीज़ को काट रहे हैं। मतलब बोलने का मेन इसका मोटो क्या है कि हमको पता है कि इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, फिर भी हम उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। हमें पता है पेड़ का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भी हम पेड़ को क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, इसमें दिखाया गया है कि आपस में आपसे कोई भी आदमी हो चाहे कोई भी है जो आपस में आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, आपके साथ बैठा हो अच्छी तरह से बात कर रहा है, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं फेक चीज़ ज़रूर है। हो सकता है वो आपसे झूठा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और उसके पीछे का जो राज हो वो कुछ अलग हो। आप देख पा रहे फिगर में दोनों लड़की दिखाया गया है, लेकिन दोनों जो इसका शैडो है उसमें दोनों को साफ दिखाया गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अच्छा बातें तो कर रहे हैं बट अंदर से वो अच्छी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं। ये है सबसे बेस्ट, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगती है, व्हाट पीपल डू मोस्ट टाइम, मतलब ज़्यादा पीपल आदमी ज़्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ ताका झाकी, कभी इसके ताका झाकी किया, कभी उसका ताका झाकी किया, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में। नेक्स्ट पोस्ट है, ये एक मुहावरे से रिलेटेड है, ठीक है,
इस पोस्ट में देखिए आप जो रियलिटी है, इंसान की रियलिटी वो पता चलता है, जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उनका रियलिटी वो पता चलता है। यहाँ पर देखिए आप माइक से जो बंदा बोल रहा है और उसका जो शैडो है, शैडो में देखिए लंबी नाक दिखाया है, यानी कि सिर्फ क्या हो रहा है, ये लंबी लंबी फेंक रहा है, जो भी बातें कर रहा है, जो भी वादे कर रहा है, उसको कोई भी चीज़ को ये पूरा नहीं करने वाला, ये सिर्फ आपके सामने फेंक रहा है, बस उतना ही इसका काम है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है एक साइड फ्री बुक मिल रही है, एक साइड फ्री वाईफाई मिल रही है, बट हम लोग भाग किसके पीछे रहे हैं, फ्री वाईफाई के पीछे। मुझे पता है कि इंटरनेट में लॉट ऑफ थिंग्स है, लॉट ऑफ चीज़ है जो इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या उसका सही यूज़ करते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग दूसरी चीज़ों में जाते हैं। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि अगर पेड़ कागज़ की जगह फ्री वाईफाई देती ना, तो हर कोई पेड़ को अपने घर में लगाता। जी हाँ, ये रियलिटी है। लेकिन पेड़ क्या दे रही है वो हर किसी को पता है, जो हमारा लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन पेड़ वो दे रही है हमें, बट किस फिर भी किसी का कोई वैल्यू नहीं है। सबको किसका वैल्यू है? वाईफाई का। अगर पेड़ वाईफाई देती, पेड़ के थ्रू अगर सिग्नल कनेक्ट होता, तो सब हर घर में अपना अपना पेड़ लगाते ज़रूर। नेक्स्ट देखिए, आजकल के बच्चे, टुडेज किड्स। पहले ज़माने में क्या होता था, फ़ोन से सब दूर रहते थे क्योंकि फ़ोन सबके पास होता नहीं था, बट आज आप देखिए, आप ये प्रैक्टिकल भी देखते हैं बहुत बार, आप बच्चे को मोबाइल पकड़ाइए, एक तरफ खिलौना पकड़ाइए, तो हमेशा वो मोबाइल की तरफ ही भागेगा, खिलौने की तरफ नहीं भागेगा। जबकि मोबाइल का जो रेडिएशन से जो हैजार्ड्स रेडिएशन निकलता है, वो कितना उसके प्रति हार्मफुल है, वो हर किसी को पता है, आपको ही पता है, हर किसी को पता है। यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात है, पेड़ हमें क्या देने की कोशिश कर रहा है और हम पेड़ को क्या दे रहे हैं। पेड़ हमें फल दे रहा है और हम पेड़ को काट दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा क्या होता है, गलती हमेशा हम चाहते हैं कि अपना गलती, मेरा गलती कभी ना हो। हम हमेशा ब्लेम करते हैं, अपना गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि नहीं, ये चीज़ जो हुआ इसके पीछे तुम्हारा हाथ था, इसके पीछे तुम्हारा हाथ था, बस हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। कभी अपना गलती को झाँक कर नहीं देखा जाता है, ना ही देखता है कोई। यहाँ पर देखिए, फेक फेसेस, पीपल हाइंड बिहाइंड द फेसेस, मीन्स क्या हो रहा है, आप जैसे सिचुएशन में जा रहे हैं, वैसे सिचुएशन आपका फेस कुछ भी हो, आप अगर दुखी भी है, लेकिन ऊपर से आप चेहरा ढक ले रहे हैं, आपका अंदर का कोई चीज़ को बाहर फीलिंग को नहीं आने दे रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार है, हेडफोन क्या किया, गड्ढा कोड़ा है, और यानी कि कब्र बनाया और किताबों को डाल दिया गया है, क्योंकि जानता किताब बेकार पड़े पड़े, आपका घर में भी किताब पड़ी रह रही है, मेरे घर में भी किताब पड़ी रही है, सबका हाल दे वही है, किताब तो है बट पढ़ाई नहीं हो रही है, किताब तो है बट पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल हो रहा है, गेम्स हो रहा है, यही सब में हम लोग का टाइम पूरा का पूरा पास हो जा रहा है। जबकि किताब से कितनी ज़्यादा नॉलेज आती है, किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये हर किसी को पता है। ये जगह देखिए, दिया है तीन का पिक्चर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा। मैं तो कहूँगा यूट्यूब भी होना चाहिए था इसमें, ट्विटर भी होना चाहिए था। ये सब के पीछे क्या हो रहा है, हम अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ से देखिए, इंसान टाइम को खींच रहा है, एक्चुअली क्या होगा, इसके पीछे इतना ज़्यादा टाइम हम लोग दे चुके हैं, दे देते हैं पूरा दिन भर में 24 घंटा में, कि मुझे खुद पता नहीं चलता या हमें खुद पता नहीं चलता है कि कितना टाइम लॉस हो चुका है हमारा, और इसके बारे में कभी हम लोग सोचते भी नहीं हैं, सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, ये बहुत बार न्यूज़ में आया भी आपको, कि कोई बंदा मर रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, उसको बचाने का हिम्मत कोई नहीं करता है, लेकिन उसका फ़ोटो जरूर सब निकालेगा, ठीक है, वीडियो जरूर कोई बनाएगा, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेगा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिएक्ट करते हैं, सैड वाला रिएक्ट करते हैं, रोने वाले रिएक्ट करते हैं, ये सारे रिएक्शन सिर्फ हम लोग भेज सकते हैं, हम लोग का औकात सिर्फ रिएक्शन भेजना है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। और जो वीडियो बनाते हैं, सबसे धिक्कार तो उन लोगों पे है कि वो बचाने के बजाय वीडियो बना रहे हैं, मतलब कितने कितने गैर मर्द है, वो लोग बचाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वीडियो बनाने की हिम्मत रखते हैं। आजकल का कभी अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट भी हो गया, तो इंसान क्या करता है, उसको बचाना छोड़कर पहले उसका वीडियो बनाएगा कि नहीं मैं इसे क्या करूँगा, फेसबुक पर पोस्ट करूँगा। ये नहीं कि पहले उसको बचा ले उसके बाद कुछ भी करे, लेकिन नहीं, पहले फेसबुक पोस्ट ज़रूरी है। इसको बोला जाता है चंद पैसों का सहायता करना और बड़ी बड़ी डींगे हाथ में। जी हाँ, कुछ पैसा देकर ये फ़ोटो ले रहा है सोशल मीडिया पे, हेल्पिंग पुअर्स, हेल्पिंग बेगर्स, ऐसा कैप्शंस डाल के वो आराम से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और बिंदास लाइक पा रहे हैं। ये क्या होता है, ये होता है अपना एक होता है अंदर से हेल्प करने का मन, ठीक है, ये अंदर से हेल्प करने का मन नहीं रहता है, इसको रहता है कि मुझे फ़ोटो क्लिक करना है, मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, बस यही दिमाग में रखा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ही थी कुछ डीप मीनिंग्स पिक्चर्स की, अभी बहुत कुछ है, बट फिलहाल मेरे पास इतना ही था, तो मैंने आपको शो करा दिया है। अब आप सोचिए ज़रा,
कि क्या हो सकता है इस देश का, क्या हो सकता है इस देश के युवाओं का, क्या हो सकता है इस देश के नागरिक का, क्या हो सकता है।